मोक्ष ज्ञान दीप चेतन लहरी, क्या ये बुक श्री माता जी द्वारा लिखी गई है या नहीं बताएं जी। मोक्ष ज्ञान दीप कोई किताब है? मेरे पास तो नहीं है दोनों, ना मैंने खरीदी, क्योंकि जो मारे दो ही किताब लिखी है वो तो मुझे भी पता है। तो ये खरीदी जाए लिखी गई है, माता जी से ने लिखी, किसने लिखी है, कोई बताए। जय श्री माता जी, उषा गोयल, हिंडौन सिटी, राजस्थान से। माने सिर्फ दो ही बुक लिखी है, सहज योग और परा आधुनिक युग। बाकी जब हम सहज में आ गए तो बहुत सारे सहजियों ने मिलके ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में ये किताबें सहजी चैतन्य लहरी मोक्ष ऐसे करके किताबें निकाली, जिससे हमको पता चले कि माँ ने क्या लिखा है। लेकिन वो सारी नेचुरलिटी नहीं है, जैसे एक खिचड़ी की कहानी होती है ना, वो इस सहज योग में भी होने लगी है। तो ये चीज़ें सारी नेचुरलिटी नहीं है, नेचुरलिटी सिर्फ सिर्फ माँ की स्पीच में है या फिर ये दो बुकों में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माँ की स्पीच सुने, बुकों पर ध्यान ना दें। बुक बहुत सारी निकाली जा चुकी है और निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, नई नई बनाई जा रही हैं बुकें, तो बुकों पर ध्यान ना दें, सिर्फ माँ की स्पीच सुने। और जो दो किताबें हैं माँ की, अगर चाहो तो वो भी मिल जाती हैं, तो आप उनको कलेक्ट करके अगर आप पढ़ना चाहते हो माँ के साहित्य के बारे में, तो उससे आप जानकारी ले सकते हो। बाकी की ये मोक्ष वगैरह ये ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। हमें माँ का सिर्फ ध्यान करना है। माँ की हम जब स्पीच सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ माँ ने किस चीज़ के लिए बताई है। हर चीज़ माँ ने बताई है, हर मंत्र माँ ने बताया है, इसलिए हमें इन किताबों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जय श्री मंदिर जी। ये श्री माता के पास एक किताब गई थी, हम जैसे नहीं किसी ने लिखी, वो भाई हमारे ही होंगे, कोई दूसरे तो है नहीं सहयोगी, चाहे हाथ झूठा फैलाए चाहे सच्चा फैलाए है तो सहयोगी है। तो जब माँ के पास पहुंची तो ऐसे ही माँ के हाथ में लाल कपड़े बांध के दी के माँ इसको अनाउंस कर दो। तो माँ ने उस लाल कपड़े में बंधी हुई किताब को हाथ में लेके कह लगी, ये तो हाथ जल रहा है, जो पढ़ेगा वही जल जाएगा। और उसमें हनुमान जी का फोटो, श्री राम का, सब थे, ऊपर श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो था। और बहुत बड़े ऊंचे प्रोफेसर, बहुत लेक्चरर, टॉप के थे। तो माँ ने कहा इनको समुद्र में डलवा, जो पढ़ेंगे वाइब्रेशन तो बंद हो ही जाएंगे, वो बीमार भी पड़ जाएंगे। जिस दिन मैंने वो अपने आंखों से सीन देखा, मैं अपने सीन आंखों से देखे भी बात करता हूँ, कभी भी माँ ने जो बोला उसके विरोध में कभी नहीं जाता हूं और उसको फॉलो करता हूं। तो मैंने कहा माँ आपने इतनी सारी किताब कैसे बोल दी सबको समुद्र में डलवा दो, 6000 किताब बुक छपवाई है, 250 रुपये रेट था। फिर बाद में वो किताब वापस आ गई, क्यों? क्योंकि जिनके पास वाइब्रेशन है वो तो पढ़ेंगे नहीं, ना आगे बिकने देंगे मन कभी, और जिनके नहीं है सीधे साधे बिचारे परे भी जाएंगे। लेकिन अगर मेरी नॉलेज में कोई चीज गलत हो रही है और मैं उसको हाँ कर रहा हूं तो डूबूंगा मैं भी, क्यों? क्योंकि मैं अधर्म को स्वीकार कर रहा हूं। आज आप देख लीजिए सहयोग में इतनी रत्ती भर भी गलत नहीं चल सकता, मैं लिख के देता हूं, और जो सत्य पे है उसको आंच नहीं आ सकती और ना इतनी तकलीफ हो सकती। तकलीफ होगी भी तो दूसरे की ले लेता है। जैसे हमारी माँ ने एक बार कलकत्ते में एक आदमी का कैंसर ले लिया और बोल दिया था कि 3 पेशेंट बैठे एक का कैंसर ले रही हूं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि प्रोग्राम 6 बजे शुरू हुआ था, 3 बजे माँ के स्टेज पे जाकर नजदीक बैठ गए, जैसे यहाँ आके कोई बैठ गए। तो माँ समझ गई थी, तो माँ ने कहा एक आदमी का मैं कैंसर ले रही हूं, आज से वो ठीक हो जाएगा। तो माँ भी कई कई दिन बीमार हो जाते हैं, हमें भी होती है तकलीफ, ऐसा नहीं है कोई हम लोहे के हैं, लेकिन ये है कि माँ की कृपा से रो धो करके निकाल देती है, तो परेशानी हो जाती है, लेकिन उस सहजों की लंबा नहीं, थोड़े वगैरह दिन होती है, निकल जाती है। कई लोग उसमें ऑपरेशन करा लेते हैं,
अब उस समय अगर कोई अच्छा माँ का जाया, कोई ऐसा सहजो की सूफी मिल जाए तो वो तो बचा देगा, वरना ऑपरेशन भी बोल देते। तो जो ध्यान से ठीक नहीं कर पाते उनको दवाई लेनी चाहिए, और जो ध्यान करते हैं उनको दवाई छूट जाएगी।